देखो भैया, सिस्टम होते हैं तीन तरह के। एक होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का क्या मतलब है? ओपन सिस्टम का मतलब ये है कि ये देखो, ये कांच का फ्लास्क आपको दिख रहा है, इसमें यहां से एनर्जी एक्सचेंज आसानी से हो सकती है। एनर्जी कैन बी एक्सचेंज्ड, क्योंकि कांच जो है ना, बेसिकली वो गर्म भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है। आ रहा है समझ में? आप उसको गर्म भी कर सकते हो, ठंडा भी कर सकते हो, आपने कभी एक्सपेरिमेंट किए होंगे। उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम, मतलब जहां पर एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, और साथ ही साथ वहां पर, क्योंकि इस पर कुछ लगा ही नहीं हुआ, तो यहां पर आप मैटर को भी एक्सचेंज कर सकते हो। तो जहां आप एनर्जी और मैटर दोनों को एक्सचेंज कर सकते हो, उसको ओपन सिस्टम कहते हैं। जहां पर एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है और मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है, उसको ओपन कहते हैं। एक होता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में आप एनर्जी तो एक्सचेंज कर सकते हो, यहां पर एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। आ गया समझ में? एनर्जी का मतलब क्या है? आप हीट दे सकते हो, ले सकते हो, लेकिन ऊपर एक क्या लगा हुआ है? कोक लगा हुआ है। बेसिकली क्या करेगा? ये मैटर को बाहर नहीं आने देगा। तो यहां पर मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता, इसको बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मैटर, ना तो आपके पास अंदर पड़ा हुआ मैटर एक्सचेंज होता है, ना ही एनर्जी एक्सचेंज होती है। जैसे कि सर्दियों में आपकी मम्मी, वो नहीं होता था वो जिसके अंदर चाय बना के रखते थे, बेसिकली वो भी इतना नहीं होता, बट हाँ कहीं हद तक तो वो क्या, चाय को गर्म करके रखता है। अगर आपने उसको पूरा बंद करके रखा है, तो ना तो आप वहां से चाय निकाल सकते हो, ना ही उसको ठंडा कर सकते हो, है ना? वो नहीं होते थर्मस, देखे हो कभी थर्मस? तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम।